तो आज है नवरात्रि डे 3, तो हमने सोचा चलो आज आपको लेकर आती हूँ आंची खाओ गली। यहाँ पे वैसे तो मुंबई का फूड बहुत ज्यादा फेमस है, बट आज हम यहाँ पे ट्राई करने आए इनका नवरात्रि फूड। चलो अंदर चलते और आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज है। इस वक्त मैं हूँ आमची खाऊ गली पे और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं इनका नवरात्रि का फूड। यहाँ पे इस वक्त लिमिटेड चीजें ही हैं लेकिन टेस्ट काफी अच्छा है मैंने सुना है, तो चलो आज हम ट्राई करते हैं। ये है हमारे पास हमारी साबुदाना खिचड़ी अलॉन्ग विद द फलहार नमकीन जो हम बोलते हैं, चिप्स भी है साथ में। तो दिखने में मुझे अच्छी लग रही है, मैंने जनरली अभी तक खाई है, वो थोड़ी सी लाइटिश होती है कलर में, तो कलर थोड़ा डार्क है तो मे बी स्पाइसी होगी या फिर कुछ अच्छे ब्लैक, उसका काली मिर्च का तड़का हो सकता है, काली मिर्च हो सकती है इसमें, इस वजह से इसका ऐसा कलर है। तो चलो ट्राई करते हैं साथ में हमारे साबुदाना वड़े। मतलब अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप नवरात्रि फूड ढूंढ रहे हो भोपाल के अंदर फास्ट के लिए, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। चलो हम ट्राई करते हैं साबुदाना खिचड़ी हमारी, इसके साथ नमकीन है हमारा ये वाला, मिक्स करते हैं। आज है नवरात्रि हमारा डे 3, तो आज हम यही आके ट्राई कर रहे हैं आमची खागल पे। वैसे यहाँ की पाव भाजी और मुंबई स्टाइल फूड के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, बट आज हम ट्राई करेंगे नवरात्रि फूड। काफी अच्छी है, घी में बनी है, सेंधा नमक का यूज हुआ है और काफी अच्छे से वो ये सॉफ्ट है ये काफी, और चिली भी है इसमें, तो फ्लेवर काफी अच्छे, पोटैटो भी है। आई लाइक इट। आप यहाँ के अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ज्यादा शोर शराबा भी नहीं, आराम से आके चिल करो। नेक्स्ट वी हैव साबुदाना वड़ा, इसके साथ एक मिंट चटनी आई है और एक कर्ड है, तो आपको दिखा था बहुत गर्म करता है अब, बहुत अच्छे फ्लफी फ्लफी से, देखो कितना अच्छे तरीके से सोंड हुआ है इसमें साबुदाना। एक बाइट ले लेते हैं, दही के बगैर तो साबुदाना का काम अधूरा है। टेक्सचर काफी अच्छा है इसमें, आलू के साथ में एक कोटिंग है अंदर और वेजीज है, मतलब धन कोरिएंडर है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे साबुदाना के बड़े काफी पसंद आए और तो ह्यूज भी है काफी, साइज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो। प्राइस रेंज भी ज्यादा नहीं है, सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप आराम से घर में भी ऑर्डर करके इसे एंजॉय कर सकते हो या फिर यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। भूख लगी है, फटाफट कुछ बनाना है या फिर कुछ ढूंढ रहे हो तो ये एंजॉय करो आप। मैं मिलता आपको नेक्स्ट गिफ्ट पर। तो हम लोगों ने ट्राई किया साबुदाना खिचड़ी और साबुदाना वड़ा, यहाँ आपको मिलेगा, मतलब लिमिटेड चीज है बट मुझे उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश जूस, तो साथ में लस, और आप ग्लास देख सकते हो काफी बड़ा है, इसके प्राइसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, ज्यादा नहीं आई गेस। ये वाला 100 रुपीज का, मैंने इसे मौसमी प्लस पाइनएप्पल करवाया है और लस्सी का प्राइस मुझे पता नहीं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। बाकी इसको ट्राई करते हैं ये वाला फ्लेवर कैसा लग रहा है दोनों का मिक्स करके। भाई फास्ट में आप कुछ नहीं खाते हो, बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी वगैरह जूसेस आपको लेने होते तो ये आई थिंक अच्छा है, आप जूस ले सकते हो, काफी अच्छा फ्लेवर है। मौसमी का भी पाइनएप्पल का, दोनों का पिंच बहुत अच्छा आ रहा है मिक्स करके। नेक्स्ट है हमारे पास लस्सी, ट्राई करते हैं। फ्लेवर्स इसके काफी अच्छे ऑनेस्टली, और ये काफी ज्यादा ठीक है भाई, मुझे अच्छी लगी यहाँ के। आपको वैसे तो यहाँ का मुंबई फूड काफी ज्यादा फेमस है, अगर नवरात्रि का बोलो तो यहाँ शेक्स भी मिल जाएंगे और आपको जूसेस भी मिल जाएंगे, और ये हमारा फलारी खाना तो है ही, हमारा फलारी, हमारा वड़े और साथ में खिचड़ी, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो आमची खाओ गली फॉर योर नवरात्रि क्रेविंग्स, आप खूब इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फ्रेंड्स का जिनका फास्ट चल रहा है, वैसे हम लोग रोज रोज सोच रहे कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आए नवरात्रि के लिए। आज ये था हमारा नवरात्रि डे 3, तो आज हम यहाँ की वीडियो लेके आए हैं। नेक्स्ट अगर आप बताना आपको कहीं की वीडियो चाहिए
और सब्सक्राइब चैनल।